अगर आप अपनी एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी छोटे से एक बग को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं या फिर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं तो आपको प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उसी के बारे में डिटेल में। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हैकिंग जॉन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है और ये काम कैसे करता है, और आप इस प्रिविलेज एस्केलेशन को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके बाद आपको प्रिविलेज एस्केलेशन पे कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन को। देखिए, सबसे पहले हम प्रिविलेज एस्केलेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि आखिर प्रिविलेज क्या होता है। प्रिविलेज मतलब हिंदी में अगर इसको हम बोले तो वो होता है अधिकार। व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कांट डू, आपके पास क्या करने का अधिकार है और क्या करने का अधिकार नहीं है, इसे ही प्रिविलेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल मैं लूं तो आप मान लीजिए अगर आप अपनी स्कूल या कॉलेज में हैं, वहां पर आपको कुछ जगह जाने की परमिशन है, प्रिविलेज है। जैसे आप क्लास में जा सकते हैं, आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको जाने का प्रिविलेज नहीं है। सच एज एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन सेल होता है वहां पे आपको जाने की परमिशन नहीं होती है, वहां आपका जाने का प्रिविलेज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपकी एग्जाम की कॉपी चेक होती है और वहां पे सारे टीचर्स ही प्रिविलेज होते हैं वहां जाने के लिए। अब आपने ये एग्जाम्पल में आपने बिल्कुल समझ लिया होगा कि प्रिविलेज यानी अधिकार, आप कौन सी चीज कर सकते हैं और कौन सी चीज नहीं कर सकते। टेक्निकल में बात करें तो अगर आप लिनक्स से फेमिलियर हैं तो आप कुछ, अगर आपको लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना है तो उसे आप अपना आप सुडो कमांड लगा के करते हैं, क्योंकि आपके पास एक नॉर्मल यूजर के पास परमिशन नहीं होती है, प्रिविलेज नहीं होता है किसी टूल को इंस्टॉल करने के लिए, उसके लिए आपको सुडो कमांड का यूज करना पड़ता है। तो यही सब प्रिविलेज का चक्कर होता है, इसलिए आपको सुडो कमांड लगा के एज ए रूट रन करना पड़ता है, क्योंकि रूट के ही पास वो परमिशन होती है कि आप उस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आखिर प्रिविलेज क्या होता है या प्रिविलेज अधिकार होता क्या है। अभी आप देखते हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है। देखिए, प्रिविलेज एस्केलेशन में कुछ नहीं होता, बस आपका एस्केलेट कर दिया जाता है आपके प्रिविलेज को, मतलब आपका जो प्रिविलेज है उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे हमने पहले ही जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल लिया उसमें हम देखते हैं कि आप सिर्फ अपने एग्जाम सेल, आप एग्जामिनेशन सेल में नहीं जा सकते, वहां आपका प्रिविलेज नहीं है, जबकि आप क्लास में जा सकते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा ही किसी तरीके से अगर आप एग्जामिनल सेल में जा पा रहे हैं या फिर आप किसी तरीके से ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिसमें जैसे से आप एग्जामिनेशन है ना सेल है वहां पे आप जा सके, तो वो एक प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया कि आपकी तरह बाकी स्टूडेंट तो नहीं जा सकते वहां पे, लेकिन आपने प्रिविलेज ने आपका जो प्रिविलेज था उसको एस्केलेट कर लिया, आपने उसको बढ़ा लिया ताकि आप एग्जामिनेशन सेल में जा पाए, तो इसे प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में अगर हम समझे तो सपोज कीजिए आप जो नॉर्मल यूजर होता है वो क्या कर सकता है और सुडो यूजर होता है जो लिंक्स में क्या कर सकता है उनको देखते हैं। नॉर्मल यूजर वो नॉर्मल कमांड रन कर सकता है, जबकि जो रूट है, रूट यूजर है या फिर रूट होता है वो एडवांस कमांड रन कर सकता है। ये एक इंस्टॉल नॉर्मल यूजर आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकता, जबकि रूट यूजर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है। थर्ड बात करें अगर हम सिस्टम फाइल्स में नॉर्मल यूजर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन रूट यूजर होता है वो सिस्टम फाइल्स में चेंज कर सकता है। तो अब ऐसा क्या हो जाए अगर नॉर्मल यूजर ही रूट यूजर वैसी जैसी चीजें कर पाए, तो आपको पता होगा हम बिना रूट के लॉगिन किए हुए भी सुडो की मदद से कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम अपने आपके प्रिविलेज को एक्सक्लूड करते हैं कि इस प्रिविलेज को बढ़ाते हैं हम अपने के, ताकि हम उस टूल को इंस्टॉल कर पाए। ऐसे ही प्रिविलेज एस्केलेशन काम करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रियल वर्ल्ड में काम कैसे आएगा, तो देखिए जब भी आप किसी सिस्टम पे होंगे, ये ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग हमें और बहुत ज़्यादा आप जब CTFs खेलेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसका हम अगले वीडियोज़ में लाइव डेमो भी देखेंगे कि आखिर प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए हम देखिए इसे अगर आप ढूंढना चाहते हैं आपको कहाँ पर मिलेगा उसकी अगर हम बात करें और कैसे मिलता है इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें हम देखेंगे कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या तो किसी सिस्टम में जिसकी वजह से आप प्रिविलेज को एस्केलेट कर पा रहे हो, उसमें ब्रूट फोर्स हो सकता है, उसके जो सुडो पासवर्ड से उनको हम सीधा ब्रूट फोर्स कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसके पासवर्ड क्या है, लेकिन अगर हम सिस्टम में किसी में घुस गए और प्रिविलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एस्केलेट करना चाहते हैं, तो हम सकते हो सकता है हम सुडो के जो पासवर्ड है उनको ब्रूट फोर्स करें। थर्ड हो सकता है कि उसमें जो डॉकर रन हो रहा हो उससे कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जिसकी वजह से हम फाइलें रीड कर पा रहे हो रूट की, या फिर हो सकता है कि क्रॉन टॉप्स या क्रॉन जॉब्स चल रही हो लिनक्स में, क्रॉन जॉब्स आपको नहीं पता तो एक शेड्यूलर होता है जो बार बार आपकी कमांड को रन करता है जितना आपने शेड्यूल दिया है कि एक घंटे बाद या दो घंटे बाद, एक दिन में एक बार वो सब जो वो प्ले करता है, तो हो सकता है उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन हो। तो इन सब चीज़ों और बहुत सारे हो सकते हैं जिनसे आप प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम में। तो इसे प्रिविलेज एस्केलेशन इस तरह काम करता है। टेक्निकल से समझे तो मान लीजिए एक क्रॉन जॉब चल रही है लिनक्स में जिसका काम है हर दो मिनट बाद एक शेड्यूलर को एक या फिक्स जो टास्क है या फिर फिक्स कमांड है उसको रन कर पाना,
क्या हो अगर हम एक नॉर्मल यूजर की तरह उसको एडिट कर सकते हो। तो अगर हम इसको एडिट कर पाए और वो रूट एक्सेस के थ्रू हमेशा चलती है क्रोन जॉब, तो अगर हम उसको एडिट कर पाएंगे तो हम अपनी इस हिसाब से वहाँ पे कमांड डाल सकते हैं। हो सकता है हम रिवर्स सेल डाल सकते हैं उसमें, जिसके थ्रू हम अपने आप रिवर्स सेल है वो गेट कर लेंगे, और क्योंकि वो रूट एज ए रूट कमांड रन हो रही है तो हमें रूट का रिवर्स सेल मिल जाएगा। तो प्रिविलेज एस्केलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेनली प्रिविलेज एस्केलेशन दो टाइप के होते हैं, हॉरिजेंटल प्रिविलेज एस्केलेशन और वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। पहले देखिए हम समझते हैं हॉरिजेंटल प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या होता है। कोई भी यूजर अपने ही जैसे यूजर को और एक्सेस कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। सिस्टम ए के आप ओनर है लेकिन सिस्टम बी के नहीं है। अब आप किसी भी तरह सिस्टम ए के थ्रू सिस्टम बी को अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हॉरिजेंटल क्या हुआ, प्रिविलेज एस्केलेशन हुआ। मतलब आपने हॉरिजेंटली किसी और का प्रिविलेज तो एस्केलेशन हुआ है लेकिन आपने किसी ऊपर की तरफ नहीं गए, आप अपनी ही जैसी शक्तियों वाले दूसरे व्यक्ति के किसी कंप्यूटर है उसको आप कंट्रोल में कर पा रहे हैं, जबकि वो हालांकि करना नहीं चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, अपने से उस प्रिविलेज में घुस गए, क्योंकि उस सिस्टम को रन करने का प्रिविलेज किसके पास था, जो बी का ओनर था उसके, लेकिन आप उसे कर पा रहे हैं तो आप प्रिविलेज एस्केलेट कर पाए। अब हम समझते हैं कि वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन में आप ये समझिए कि वर्टिकली ग्रो करता है प्रिविलेज। मतलब अगर आप ये मान लीजिए एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम है A++। अब आप ए के पास कुछ कम पावर है जबकि A++ के पास बहुत पावर है। इसे हम नॉर्मल यूजर और सुडो एज रूट यूजर की तरह समझ सकते हैं। तब ए है उसके पास कम पावर है, अगर A++ वाले काम ए किसी भी तरह से कर पा रहा है तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया। मान लीजिए A++ को किसी भी सिस्टम में टूल्स इंस्टॉल करने की या फिर सिस्टम फाइल रिमूव करने की परमिशन है जबकि ए को नहीं है। अगर ए ऐसा कर पा रहा है किसी मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ पाई जाती है जो प्रिविलेज एस्केलेशन में हम आगे पढ़ेंगे या CTFs के थ्रू या किसी लैब्स के थ्रू सॉल्व करके मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूं। सो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले। तो आप आई होप आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन को भी समझ गए होंगे। अब एट लास्ट मैं यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, बिकॉज इस ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्ट लिखना और उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है, उससे पहले आपको मेक श्योर करें कि आप उसकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं। सो आप ये कर दीजिए, और आने वाले वीडियोज़ में हम प्रिविलेज एस्केलेशन के लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखने वाले हैं। सिस्टम पे हम एक लिनक्स का सिस्टम उठाएंगे जिसको हम नॉर्मल यूज़र की तरह रन कर रहे होंगे, बाद में हम रूट यूज़र में एक्सेस लेंगे उसका। तो बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ आने वाले टाइम पे। सो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो ला सकूँ। दूसरा मोटिवेशन से आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।